खबर आ रही है शामली से, जहां पर कैराना कोतवाली क्षेत्र में कस्बा कैराना में मामूली बात पर खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में एक ओर जहां पत्थरबाजी चल रही है, वहीं दूसरी ओर एक युवक अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहा है। घटना के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की है रिपोर्ट। सर, कैराना कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग अवैध असलाह से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? कल कैराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है इमामबाड़ा, इस मोहल्ले में दो पक्षों में शराब पीने को लेकर के आपसी विवाद हुआ। दोनों पक्षों में पथराव किया गया और एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी की गई। तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस गई और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और वो 4 लोग शब्बीर, महफूज, इनायत और मोमिन हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या मालूमात को है सर, किस बात को लेकर इनके बीच झगड़ा उत्पन्न हुआ और असला चला था? अभी तक जो बताया गया है वो ये बात सामने आई है कि इनमें एक पक्ष जो है दारू पीने को लेकर के दूसरे पक्ष से आपसी विवाद में ये मारपीट हुई है। अवैध असला सर बरामद है? अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है और टीम गठित कर दी गई है, गिरफ्तारी करके उसको बरामदगी करवाया जाएगा।